हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपना जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सबको पता है कि हमारा रिवीजन सेशन बायोलॉजी का चल रहा है और इस रिवीजन सेशन में हम 3 क्लासेस पहले पढ़ चुके हैं। तो आज जो है नंबर 4 क्लास हमारा जो है स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रिवीजन सेशन नंबर 4 रहेगा हमारा, इस 4 सेशन के अंदर हम बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि लास्ट की क्लास में हम जो है डाइजेशन तक की बात कर चुके हैं, पाचन तक पढ़ चुके हैं। अब हमें जो है रेस्पिरेशन की बात करनी है, श्वसन की बात करनी है। तो श्वसन में प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, इस रेस्पिरेशन को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है श्वसन तंत्र, ये बेसिकली 2 भागों में विभाजित रहता है, यानी कि 2 पार्ट से मिलकर हमारा ये बना हुआ है। एक होता है ब्रीदिंग पार्ट और दूसरा होता है आपका रेस्पिरेशन पार्ट। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसे कहा जाता है श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया, और जो रेस्पिरेशन होता है इसे कहा जाता है श्वसन प्रक्रिया। तो बच्चों, 2 तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं, एक आता है श्वास उच्छ्वास और एक आता है श्वसन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? दोनों के अंदर डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो दोनों के अंदर डिफरेंस जो रहेगा वो ये कि देखिए, जिस तरह से हमें ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे दिख रहे हैं, इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की सहायता से जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाहरी वातावरण से गैसेस को बॉडी के अंदर इनहेल करेंगे, अंदर भरेंगे, और बॉडी के अंदर से गैसेस को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करेंगे यानी कि मुक्त करेंगे, इस अवस्था को कहा जाता है ब्रीदिंग अवस्था। यानी कि हम बात करें श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया, इसे कहा जाता है। अब बात करेंगे कि सर रेस्पिरेशन क्या रहा, तो रेस्पिरेशन के अंदर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज के टूटने की बात करते हैं। और ग्लूकोज का टूटना 2 कंडीशन में हो सकता है जो हम आगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्रक्रिया के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। 2 प्रोसेस क्या रहेंगे? एक वो प्रोसेस रहेगा जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, और दूसरा प्रोसीजर वो रहेगा जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। तो दोनों ही अवस्थाओं में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज से, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन बोलेंगे। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस रहा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर। अब थोड़ा सा और जानते हैं चीज़ों को डिटेल से। चलिए, सबसे पहले हम ब्रीदिंग प्रोसेस की बात करेंगे। श्वासोच्छ्वास और श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के अंदर कुछ ऑर्गन्स हमारे इंक्लूड होते हैं, जैसे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहेगा वो रहेगा हमारा नेजल चैम्बर यानी कि नासा गुहा। नासा गुहा के बाद इसके अंतिम भाग में एक भाग प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है फेरिंक्स, या फिर इसे हम कह सकते हैं ग्रसनी। तो ये ग्रसनी भाग होता है नंबर 2 पर। नंबर 3 पर इस ग्रसनी के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है हमारा लेरिंक्स भाग, इसे लेरिंक्स कहा जाएगा हिंदी में। और ये जो लेरिंक्स होता है इसके साथ ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाएगा इसे? एपिग्लोटिस। इसके बाद लेरिंक्स से जो है ट्रेकिया के थ्रू हम एयर को ले जाते हैं बच्चों लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के अंदर भी फेफड़ों की छोटी छोटी इकाई होती हैं। फेफड़ों की छोटी छोटी इकाई होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है, जिन्हें कोपिकाएं कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करेंगे। अब ब्रीदिंग प्रोसेस में ये पार्ट क्या क्या हेल्प करते हैं, क्या क्या इनका प्रोसीजर होता है, उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेजल चैम्बर के अंदर 2
स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली रहती है हेयर स्ट्रक्चर्स, यानी कि बालों की संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो धूलकण होते हैं, उनको डायरेक्ट शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोक लेती है, क्योंकि एक इस तरह से संरचनाएं होती हैं बालों की फंसी हुई। इनके अंदर से जब एयर पार्टिकल्स आते हैं तो एयर पार्टिकल्स के साथ बहुत सारे धूलकण आ जाते हैं, तो उन धूलकणों को ये इस तरह से फंसी हुई है तो धूलकण यहाँ फंसकर अटक जाते हैं, वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते, तो हेयर स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसके बाद दूसरी जो संरचनाएँ यहाँ हमें मिलती हैं वो मिलती हैं म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स की बात करें तो ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर से एक फ्लूड जो है वो सिक्रेट होता है, जिसको कहा जाता है म्यूकस, यानी कि श्लेष्मा। श्लेष्मा द्रव्य जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये श्लेष्मा द्रव्य क्या करता है कि हमें पता है कि एयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, परजीवी होते हैं, जैसे हम बात करें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआस हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में सांस के द्वारा प्रवेश ना करें, एंट्री ना करें, इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास कौन होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, ये इन सभी की एंट्री को बॉडी के अंदर प्रिवेंट करता है। तो ये तो बात हो गई हमारी नासा गुहा वाले भाग की। अब नेक्स्ट जो भाग आएगा उसमें हम बात करेंगे किसकी, अगले भाग की, जिसको हम कह रहे हैं ग्रसनी। देखिए ग्रसनी के अंदर ब्रीदिंग का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये खाली एक तरह से हमें इंटर जंक्शन का काम कर रही है, ऊपर नेजल कैविटी है, नीचे हमारा ट्रैकिया है, तो उसके बीच में एक जॉइंट का काम कर रही है, यानी नेजल पैसेज से फेरिंग्स में और फेरिंग्स से एयर डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, ट्रैकिया में चली जाती है। तो ये हो गया हमारा ग्रसनी का काम। इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉमन पॉइंट रहता है, कॉमन पार्ट रहता है, किस किस के लिए, फॉर डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। तो पाचन और श्वसन दोनों का जो है ये साझा भाग होता है, यानी कि कॉमन पार्ट रहता है। डाइजेशन की जब हमने बात करी थी लास्ट क्लास में तो हमने देखा था कि इसी भाग से फूड जो है ट्रेवल करके ग्रास नली में पहुंचता है, आज हम बात कर रहे हैं कि इसी भाग से पास होकर जो हमारी श्वास वायु होती है वो आगे श्वास नली तक पहुँचती है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो ध्यान रखने की चीज़ है वो हमारी आती है लैरिंग्स वाले भाग में। अब आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि हमारे पास वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं जिनको स्वर तंतु कहा जाता है। जब हम एयर को रिलीज करते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन से साउंड जनरेट होती है, और जो हमारा बकल कैविटी वाला सेक्शन है जिसमें हमारी टंग है, जीभ है, ये जीभ का मूवमेंट जो होता है उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम उस साउंड को जो है शब्दों के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन जनरल सा पूछा जाता है कि वोकल कॉर्ड्स किस भाग में उपस्थित होते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स किस भाग में मिलेंगे, हमें लैरिंग्स भाग में मिलेंगे, और इन वोकल कॉर्ड्स की प्रेजेंस के कारण ही लैरिंग्स को कहा जाता है साउंड बॉक्स, या फिर इसे कह सकते हैं स्वर यंत्र। तो ये हमारा जो है लैरिंग्स है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब लैरिंग्स के पास जहाँ पर फेरिंग्स भाग से आगे लैरिंग्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है नलिका नुमा, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये तो हो गई हमारी कौन, एयर ट्रैक, जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया, और इसके साथ साथ ये होती है हमारी ईसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो एपिग्लोटिस की हम बात कर रहे हैं वो एपिग्लोटिस एक इस तरह से ढक्कननुमा संरचना रहती है कि जब हम भोजन निगल रहे होते हैं तो भोजन निगलने के समय पर ये जो हमारी दो पैरेलल पाइप्स हैं, एक पाइप ये हो गई जो श्वास नली है, एक पाइप ये हो गई जो ग्रास नली है, तो जो श्वास नली होती है वो हल्की सी ऊपर की तरफ मूव करती है और अटैच हो जाती है किसके साथ, एपिग्लोटिस के साथ, जिसके कारण जैसे ही फूड आएगा ऊपर से इसके ऊपर गिरेगा तो गिरने के बाद वो लुढ़क कर कहाँ चला जाएगा, किस में चला जाएगा, वो चला जाता है ग्रास नली के अंदर। यहाँ पर कोई भी फूड बोरस आएगा तो वो इधर से नीचे मूव करता हुआ यहाँ चला जाता है।
तो एपिग्लोटिस जो होती है एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो फूड को एंट्री करने से रोकती है, एंट्री के प्रिवेंट करती है, किसके अंदर, हमारी विंड पाइप के अंदर। तो ये बात हो गई एपिग्लोटिस की। देन हम बात करते हैं लंग्स की, फेफड़ों की। तो जब फेफड़ों की बात आती है तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि सबसे पहली चीज़ तो फेफड़े जो है हमारे शरीर में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। और इन एक जोड़ी फेफड़ों के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि जो लंग्स हैं उन्हें बोला जाता है फुफ्फुस हिंदी में। फेफड़े भी कहते हैं लेकिन एक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर उन्हें फुफ्फुस कहा जाता है। और जो फेफड़े रहेंगे, फेफड़ों के अंदर हमें ध्यान रखना है कि एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। अब राइट जो लंग रहेगा वो कंपैरेटिवली बड़ा रहता है आकार में, यानी कि साइज उसका ज़्यादा रहता है। लेकिन लेफ्ट लंग जो है, हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो मिड वेंट्रल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। तो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाईं तरफ का नीचे का जो भाग है वो हल्का सा बाहर की ओर उभरा होता है। तो उभरा होने के कारण हमारा जो हर्ट है उसके कारण जो हमारा लेफ्ट लंग है यानी कि जो हमारा बायां फेफड़ा है उसका आकार नॉर्मल से छोटा होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि राइट लंग जो होता है वो साइज में लार्जर होता है, बड़ा होता है, जबकि लेफ्ट लंग जो होता है वो साइज में स्मॉलर होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी डिफरेंस है। और अगर हम बात करें लेफ्ट और राइट लंग की, तो इनके अंदर जो ये कूपिकाएं हमने लिखी हैं, इन कूपिकाओं की संख्या की बात आती है तो लगभग 600 से 700 मिलियन कूपिकाएं जो है प्रेजेंट होती हैं इन भागों के अंदर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कूपिकाएं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कूपिकाओं के बारे में आपको ये जाननी है कि इन्हें कहा जाता है यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की इकाई इनको कहा जाता है, फेफड़ों की इकाई इनको कहा जाता है। अब फेफड़ों की इकाई इनको कहा है तो इनका कुछ ना कुछ फंक्शन भी होता होगा, बिल्कुल होता है। यहाँ पर हम जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर हम इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमें ये डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर ये जो हमें गोले दिख रहे हैं, ये जो गोले हैं ये कौन है, ये कूपिकाएँ प्रेजेंट होती हैं फेफड़ों के अंदर इस प्रकार से, जो बंच की फॉर्म में रहती है। और इन कूपिकाओं के अंदर, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, शायद आप देख पा रहे होगे, अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाए इसका, समझ आ जाए आपको बातें। तो देखिएगा, ये जो कूपिकाएँ होती हैं हमारी, ये कुछ इस प्रकार की हैं। और इनके पास से जो है हमारी ब्लड वेसल्स पास हो रही हैं कुछ इस प्रकार से। तो इन ब्लड वेसल्स से जो है ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इन कूपिकाओं के पास जो ऑक्सीजन गैस है और जो CO2 है, ये CO2 इसके अंदर से निकल के यहाँ पहुंची है, और ये ऑक्सीजन इससे होती हुई कहाँ चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों हैं उनका होता है एक्सचेंज, आदान प्रदान, और इसी एक्सचेंज को नाम दिया गया है डिफ्यूजन प्रोसेस। विसरण प्रक्रिया, तो प्यारे बच्चों विसरण प्रक्रिया कहां पर होती है, विसरण प्रक्रिया होती है एल्वियोलाइज के अंदर, कूपिकाओं के अंदर। तो ये छोटा सा पार्ट था जिसके अंदर हमने ब्रीदिंग की बात करनी थी। अब थोड़ा सा लंग्स के बारे में हमें जानना है कि उसकी कैपेसिटीज क्या क्या होती हैं, किस तरह से लंग्स जो है वो काम करते हैं, तो समझेंगे। तो यहाँ पर बात आती है लंग्स कैपेसिटी की, फेफड़ों की क्षमता। तो जो लंग्स कैपेसिटी होती है, फेफड़ों की क्षमता होती है, वो बेसिकली हमें चार तरह की मिलती हैं। सबसे पहले हमें मिलती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं वो कितनी होती है, 5 लीटर होती है। नंबर दो पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, हमसे पूछा जाता है टाइडल कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम प्यारे बच्चों वो होता है कि जैसे हम बात करें, हम रिलैक्स स्टेज के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम लेटे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बॉडी जो है कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क नहीं कर रही है, तो रिलैक्स
मोड में है। तो जब हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है तो उस समय पर हम जो सांस ले रहे हैं उसमें कितना अमाउंट एयर का हमने लंग्स के अंदर भरा है और कितना अमाउंट हमने बाहर रिलीज किया है, उसको कहा जाता है टाइडल क्षमता, या फिर हम उसको कह सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग का अमाउंट होता है वो होता है 1/10 ऑफ टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि हम बात करें अगर 0.5 लीटर। नंबर 3 पर टर्म आती है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल क्षमता। वाइटल क्षमता क्या होती है, जैसे आपने डाइविंग करनी, स्विमिंग करनी है, तो स्विमिंग करने के लिए आप जब गोता लगा रहे हैं तो गोता लगाने के समय पर आप देखते हैं कि हम जोर से सांस भरते हैं फेफड़ों के अंदर, जितना भर सकते हैं कि हम कुछ समय के लिए जो है पानी के अंदर रहेंगे तो वहाँ हमें सांस लेने में परेशानी होगी। तो हम क्या करते हैं, सांस लेते नहीं, सांस रोक लेते, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम जो है गैसेस को लंग्स के अंदर भर लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा मैक्स टू मैक्स जितना हम कर सकते हैं उतना अगर हमने गैसेस को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिया तो फेफड़े खाली हो गए एक तरह से, तो उस अमाउंट को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी, जो होता है 7 times ऑफ टाइडल कैपेसिटी, यानी कि 3.5 लीटर। अब नंबर 4 पर हमसे पूछा जाता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं वो अपने पास परमानेंट स्टोर करके कितना अमाउंट जो है एयर का रख पा रहे हैं। तो उस परमानेंट स्टोरेज की बात करनी है तो एक बार में मैक्सिमम जब हम 3.5 लीटर अंदर भर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं और टोटल हमारे पास 5 लीटर है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट आता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात होती है। तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना कि गैसेस जो हैं एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस हैं वो सारी भरी जाएंगी बॉडी के अंदर, यानी कि नाइट्रोजन भी उसमें पार्ट होगी और जो हमारी हम कह सकते हैं ऑक्सीजन रहेगी 2 पर, 3 पर आर्गन रहेगी, 4 पर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, जो मेजर गैसेज हैं वो सारी मेजर गैसेज बॉडी के अंदर एंटर करती हैं। अब उनमें से किसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम अलग कर लेते हैं, जिसकी जो हमारे पास बची हुई है उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास 2 ही एक्सचेंज होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन का और एक होता है CO2 का। तो जो ऑक्सीजन होती है वो लगभग 21% बॉडी के अंदर एंटर करती है और इसमें से लगभग 16-17% ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। अब बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की तो बॉडी के अंदर एंटर करती है 0.03%, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही इतनी है। अब इसमें से बाहर कितनी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है लगभग 4-5%। तो ये एक्सचेंज वाला सेक्शन है। अब एक छोटा सा सेगमेंट और हमारा ब्रीदिंग में बचा हुआ है जिसमें हम बात करते हैं ब्रीदिंग रेट की, श्वसन दर की हम बात करते हैं। तो ब्रीदिंग रेट जो है वो एक एडल्ट में क्या होती है, वयस्क में कितनी होती है, एक चाइल्ड में क्या होती है, बच्चे में, और एक न्यू बॉर्न बेबी नवजात शिशु में कितनी होती है। तो ये 3 तरह की हमें रेट देखनी है। तो एडल्ट के अंदर जो हमारी रेट रहेगी वो रहेगी 12-16 per minute, 1 मिनट में 12-16 बार हम जो है ब्रीदिंग करते हैं। चाइल्ड की बात करेंगे तो ये करेगा हमारा 20-25 बार, और जब न्यूबॉर्न बेबी की बात आती है तो हम कहते हैं कि 30-40 बार per minute। तो ये हमारी ब्रीदिंग रेट आती है और इसके साथ ही हमारा ब्रीदिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। अब हमारा जो सेक्शन आता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा सेक्शन, जिसको हम कह रहे थे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, उसकी बात हम करेंगे। तो जो रेस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन में बेसिकली हमें 2 तरह की चीज़ें पढ़नी है कि जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीकृत श्वसन जिसको कहेंगे, और एक होता है अनऑक्सीकृत जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी, नहीं पाई जाएगी। तो एक वायवीय श्वसन हो गया, एक अवायवीय श्वसन, इसको एरोबिक एनएरोबिक भी कह सकते हैं, इसको ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस रहेगा इसके अंदर हम किस तरह से देखेंगे, एक बार समझिएगा। हमारे पास जो ग्लूकोज है, सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरूविक एसिड के अंदर, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ 2 ATP एनर्जी,
दो एटीपी ऊर्जा की सहायता से ग्लूकोज जो है वो पाइरूविक अम्ल में टूट जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। और ध्यान रखना, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, चाहे वो ऑक्सीकृत प्रकार का श्वसन हो चाहे अनऑक्सीकृत प्रकार का श्वसन हो, दोनों के लिए कॉमन होती है। तो जो पाइरूविक एसिड है वो हमारा फाइनली ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर के अंदर प्लस CO2 के अंदर प्लस 38 ATP एनर्जी के अंदर, जिसमें से दो ATP हमने यहाँ पे कंज्यूम कर ली तो हमारी बॉडी को जो है मिल जाती है 36 ATP। इसी तरह से एनारोबिक की बात करेंगे तो पाइरूविक एसिड जो है पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा और फिर ये पाइरूवेट जो है वो टूट जाएगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड में प्लस इथाइल अल्कोहल, और इसके साथ साथ ही निर्माण कर देता है प्लस 4 ATP एनर्जी। अब देखिए, चाहे हम किसी प्रकार के श्वसन की बात करें तो 2 ATP एनर्जी तो हमें देनी ही देनी पड़ेगी, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी को इससे कितनी एनर्जी मिल रही है, 2 ATP एनर्जी इससे प्राप्त हो रही है। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है, एक होता है ऑक्सीकृत, एक होता है अनऑक्सीकृत। ये ठीक इसी तरह से, यानी कि ऑक्सीकृत श्वसन जो होगा उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी और जो अनऑक्सीकृत श्वसन होगा उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो ऑक्सीकृत श्वसन जब होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाइरूविक एसिड किस में परिवर्तित हो जाता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और 38 ATP ऊर्जा के अंदर। लेकिन जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो पाइरूविक एसिड पाइरूवेट में टूटेगा और फिर पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में, इथाइल अल्कोहल में और 4 ATP एनर्जी के अंदर। तो ध्यान रखना है, वायवीय श्वसन से टोटल 36 ATP ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त हुई है और अवायवीय श्वसन से टोटल 2 ATP एनर्जी जो है हमारी बॉडी को प्राप्त हुई है। तो ये तो बात हो गई रेस्पिरेशन के टाइप की। अब यहाँ पर एक प्रोसेस जो हमने लिखा था ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि देखिए नाम ही बता रहा है, ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज की बात हो रही है और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा, जिसके अंदर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है विद हेल्प ऑफ 2 ATP एनर्जी, और ये 2 ATP की एनर्जी से जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। दो तरह का होता है, ये आपने समझ ही लिया। अब समझिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बैक्टीरिया जो रहते हैं, बैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं कि जनरली हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ही देखने को मिलता है, अवायवीय श्वसन ही देखने को मिलता है, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण हम कहते हैं कि बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है उस प्रोसेस को कहेंगे फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। अब किण्वन क्या होता है, किण्वन होता है जैसे ब्रेड का निर्माण हम कर रहे हैं, बिस्किट हम बना रहे हैं, जलेबी हम बना रहे हैं, इसके अलावा हम बात करें दूध जो है दही में परिवर्तित हो रहा है, वो भी आपका क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसी तरह से सिरके का जो निर्माण होता है, विनेगर फॉर्मेशन, वो भी एक तरह का क्या है, हमारा फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। अब अगर ह्यूमन के अंदर बात करी जाए तो हमारे अंदर बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन साथ ही साथ जब हम हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क के टाइम पर, अधिक परिश्रम के टाइम पर हमारे अंदर होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण जो फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का, यही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल्स के अंदर पेन के लिए, यानी कि जब मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो इसी लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन के कारण होता है, यानी कि जो मसल्स हैं वो फैटिग होना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके बाद हमें दर्द महसूस होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा छोटा सा प्रोसेस जिसके अंदर हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी। दो प्रोसेस हमने यहाँ पर पढ़े, एक ब्रीदिंग पढ़ा और एक रेस्पिरेशन पढ़ा। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट जो स्लाइड आती है इसके अंदर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स की।
तो जब न्यूरॉन्स की बात होती है, नर्वस सिस्टम की जब बात होती है, तो हमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि जो नर्वस सिस्टम होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है हमारी इस स्ट्रक्चर के ऊपर जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल इसको कह सकते हैं। तो बच्चों ये जो नर्व सेल होती है पूरा का पूरा मैकेनिज्म इसके ऊपर आधारित होता है। इसके अंदर आपको तीन पॉइंट्स, चार पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। क्या क्या हैं? सबसे पहला जो रहेगा वो ये डेंड्राइट्स, जिसको द्रुमिकाक्ष कहा जाता है। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यानी कि जैसे हम एक पेड़ की बात करें तो जो पेड़ होता है हमारा, उस पेड़ के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर रही हैं और फूड फॉर्मेशन कर रही हैं, और फूड फॉर्मेशन करके इन पत्तियों से, इस तने से होते हुए फाइनली कहाँ पहुँचा देती हैं? जड़ों के अंदर पहुँचा देती हैं। तो ठीक वही प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। वैसे ही मैंने इसीलिए इसको सीधा करके बनाया है यहाँ पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हमने डेंड्राइट्स के थ्रू क्या किया, इन्फॉर्मेशन्स को कलेक्ट किया। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन्स कहाँ आती हैं? न्यूक्लियस, सेल बॉडी के पास। और ये जो भाग है, इससे आगे का ये जो कंप्लीट भाग रहेगा, जो ये लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को कहा जाता है एक्सोन, जो आगे जाके डिवाइड हो जाता है अलग अलग भागों के अंदर। तो इस एक्सोन के माध्यम से ये संवेदनाएं जो हैं, ये इम्पल्सिस जो हैं, इकट्ठी होके आगे की ओर ट्रांसफर होती हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं किसके पास, एक्सोन टर्मिनल के पास, एक्सोन के छोर के पास, सिरे के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर सिनेप्स होते हैं। यानी कि जो संवेदनाएं आई हैं उनको हम यहां से उठाते हैं और अगली जगह फिर से क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है नोड ऑफ रेनवियर इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो नोड ऑफ रेनवियर है वो किसमें उपस्थित होता है। तो नोड ऑफ रेनवियर, देखिए यहाँ से हमने बोला कि एक्सोन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आके खत्म होता है, तो पूरा का पूरा एक्सोन बॉडी है। तो ये जो नोड ऑफ रेनवियर है ये किसके पास उपस्थित होते हैं, ये एक्सोन के पास पाए जाते हैं। तो बच्चों ये तो था छोटा सा हमारा न्यूरोन। इसके बाद एक जनरल सी चीज़ अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो वो ये है देखिए, यहां पर मैं बात करता हूं कि जो न्यूरॉन है या फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम चार क्रियाओं पर आधारित है। चार क्रियाएं कौन कौन सी होंगी? चार क्रियाओं के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहला तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनसे सेंसेशन जनरेट किया जाता है, सेंसेशन यानी कि संवेदनाओं का निर्माण। संवेदनाएं बनती हैं और संवेदना जो होती है वो कहां से आती है? संवेदी अंगों से, यानी कि सेंसरी ऑर्गन से। और संवेदी अंग हमारे पास कितने होते हैं बेटा? हमारे पास पांच संवेदी अंग होते हैं। एक होता है आँख, जिससे हम विजुअल्स लेते हैं, यानी कि जो दृश्य चीज़ें होती हैं वो हमें आँख से प्राप्त होती हैं। उसके बाद होता है कान, जिससे हमें श्रवक चीज़ें प्राप्त होती हैं, श्रवक इम्पल्सेस जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा होता है नाक, जिससे हम सूंघने की शक्ति, जहाँ से हमें हमारी बनती है, जिससे हम सुगंध और दुर्गंध में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नंबर चार पर, होता है हमारी जीभ टेस्ट के लिए, यानी कि हम कोई भी चीज़ को पता कर पाते हैं कि ये मीठा टेस्ट है, इसका कड़वा टेस्ट है, इसका नमकीन टेस्ट है, ये तीखा है, तो ये जो खट्टा है, ये जो हमें टेस्ट जो मिल रहे हैं ये किसकी सहायता से मिलते हैं? टेस्ट हमें मिलते हैं जीभ की सहायता से। और पांचवा संवेदी अंग होता है हमारा त्वचा, जिससे हमें स्पर्श की अनुभूति होती है, स्पर्श की अनुभूति होती है, साथ ही साथ जो ठंडा और गर्म हम महसूस कर रहे हैं, जैसे आज मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ठंडा सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कल से तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो इस वजह से आपका एक क्लास भी थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा आज का। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लंबा किया जाए, लेकिन बाई चांस अगर हो सकता है तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो
बीच में रोकना पड़ सकता है। चलिए कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए आपका। तो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो 5 हमारे पास मिलते हैं। तो पहला काम होगा संवेदनाएं उत्पन्न करना, संवेदनाएं जनरेट करना। उसके बाद नंबर 2 पर उन संवेदनाओं को प्रोसेस करना। इससे पहले हम सेंसेशंस को ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि संवेदनाओं को पहुंचाएंगे हम किसके पास, हमारे नर्वस सिस्टम के पास, या फिर हम कहें कि हमारे ब्रेन के पास हम जो है संवेदनाओं को पहुंचाते हैं। संवेदनाएं पहुंचने के बाद हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, प्रोसेस। नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशंस और सेंसेशंस, यानी कि संवेदनाओं को हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रोसेस करेगा। और फाइनली नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि जो मोटर तंत्रिकाएं होती हैं या फिर हम बात करें जो मोटर नर्व्स होती हैं उनके द्वारा रिस्पॉन्स तैयार किया जाएगा, रिस्पॉन्स सेंड किया जाएगा, रिस्पॉन्स सेंड टू मोटर नर्व्स, मोटर तंत्रिकाओं के पास संवेदनाओं का प्रत्युत्तर भेजा जाएगा और वो काम हो जाएगा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो 4 तरह से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब कितना फास्ट होता है ये चीज़ आप आइडिया लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ गर्म रखी हुई है हमने और गर्म चीज़ हम पतीला है या फिर कोई भी चीज़ है हम किचन के अंदर गर्म चीज़ कोई छू लेते हैं तो तुरंत अचानक से कितना समय हमें लगता है उस चीज़ को छोड़ने में, यानी कि पहले हमने क्या करा उसको छुआ, छूने के बाद क्या मिली सेंसेशन, कहाँ से स्किन से वो सेंसेशन कहाँ तक पहुँचाई हमने, ट्रांसमिट करी नर्वस सिस्टम के पास, नर्वस सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स भेजा, यानी कि ये 4 स्टेप कितनी देर में हुए, हमने कोई चीज़ छुई और छूने के बाद तुरंत हाथ हटाया, तो जब हमने टच किया और जब हमने हटाया इसके बीच फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का गैप रहा होगा, इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितने प्रोसेस कंप्लीट कर लिए नर्वस सिस्टम ने, 4 प्रोसेस। इसलिए हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म होता है, इसकी जो क्रियाविधि होती है वो किस पर आधारित होती है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स पर किस तरह से आधारित होती है, आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी फैन लगा हुआ या फिर लाइट की हम बात करें, जैसे स्विच ऑन करेंगे लाइट जल जाएगी, जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे लाइट बंद हो जाएगी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं स्विच से इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ के पास होने के लिए, यानी कि जैसे स्विच ऑन करा तुरंत हमारी लाइट जल जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी चीज़ को छुआ हमने गर्म चीज़ को तुरंत हमारा हाथ हट जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्वस सिस्टम इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई होप कि जो क्लासेस आपकी चल रही हैं उसमें चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो है वो इनसे सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और जो नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें आप यहाँ से गैदर भी कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो ये बेसिकली हम देखेंगे कि कितने प्रकार का हमें मिल रहा है। एक मिल रहा है सेंट्रल टाइप का और एक मिल रहा है पेरिफेरल टाइप का। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके भी फर्दर डिवीजन हम कर देते हैं, एक तरफ ब्रेन आ जाता है और दूसरी तरफ स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ जाते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल नर्व्स की, तो पेरिफेरल के अंदर 2 तरह के हमारे न्यूरॉन्स मिलते हैं हमें, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स और एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसेशन की बात हम करेंगे, यानी कि जब हमारा कोई भी संवेदी अंग होगा, कोई भी संवेदना उत्पन्न करेगा, तो उन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक या नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का जो काम करेंगे वो कौन होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। और जब ब्रेन उनको प्रोसेस कर लेगा, नर्वस सिस्टम उनको प्रोसेस कर लेगा, तो प्रोसेस करने के बाद किसी भी बॉडी ऑर्गन तक उन संवेदनाओं के प्रत्युत्तर को भेजने का काम कौन करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं,
वैसे इसका हिस्सा बना के दिखाया गया है यहाँ पर, लेकिन जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो एक अलग ही पार्ट होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि अपने आप जो काम करता है उसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। ये जनरली हमारा जैसे जब चीज़ें हाइपर हो जाती हैं या फिर चीज़ें हाइपो हो जाती हैं, जैसे बॉडी की एक्टिविटीज़ अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो गई उसको हाइपर कंडीशन कहा जाएगा, जब बॉडी की एक्टिविटीज़ जो है नॉर्मल से कम हो जाती हैं उसे हाइपो एक्टिविटी कहा जाता है। तो जब चीज़ें हाइपर और हाइपो हो जाती हैं उस अवस्था में हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करता है। तो ऑटोनोमस के भी आगे हम दो पार्ट देख रहे हैं, एक होता है सिंपैथेटिक डिवीजन यानी कि अनुकंपी, क्या कहेंगे इसे अनुकंपी, और दूसरा हो गया पैरासिंपैथेटिक, इसे क्या कहेंगे परानुकंपी। तो दो तरह के डिवीजन हमें मिलते हैं, एक अनुकंपी मिलता है एक परानुकंपी। अनुकंपी वो होता है जो हाइपर चीजों को नॉर्मलाइज करेगा और परानुकंपी वो होता है जो हाइपो चीजों को नॉर्मलाइज करेगा। बढ़ी हुई चीजों को घटाने का काम अनुकंपी और घटी हुई चीजों को बढ़ाने का काम परानुकंपी करता है। तो ये हमारा कुछ छोटा सा पार्ट आता है जिसमें हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक तरह की केंद्र सरकार है, ये हमारा हो गया ब्रेन मस्तिष्क, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी तंत्रिकाएं निकलेंगी वो सारी किसका भाग होंगी, वो पीएनएस का भाग होंगी। तो ये जो पीएनएस रहेगा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिकाओं का जाल होता है, तंत्रिकाओं का एक संरचना होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग संवेदनाएं हैं उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कलेक्ट करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का जो काम है, या फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाने का जो काम है वो करता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद बात आती है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने भाग होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, तो थोड़ा सा और हम चलेंगे आगे और जानेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो कौन है, वो होता है हमारा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। तो बच्चों मस्तिष्क के अंदर सबसे पहली जो चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर आप गलत कर देते हो, स्टडी ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का अध्ययन। तो ध्यान रखना है आपको, स्टडी ऑफ ब्रेन कहलाएगा एनसेफेलोलॉजी। वेट की बात करी जाए, वेट होता है 1200 टू 1400 ग्राम, यानी कि मेल के अंदर होता है 1300 से 1400 ग्राम, इन मेल बॉडी, और 1200 से 1300 ग्राम इन फीमेल बॉडी। और अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम इसका होता है 1170 टू 1330 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कुछ बेसिक सी जानकारी है ब्रेन के बारे में। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर स्टडी हमने बोला है तो स्टडी के अंदर एक टर्म आया है एनसेफेलो। एनसेफेलो जो है वो ब्रेन को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है एनसेफेलोन। और ब्रेन के जो हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे सेरेब्रम है प्रमस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, फोरब्रेन का भाग है। इसके अलावा फोरब्रेन का एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राणपिंड एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं डाइएनसेफेलोन। और डाइएनसेफेलोन के भी फर्दर दो डिवीज़न होते हैं, एक थैलेमस होता है एक हाइपोथैलेमस होता है। इसी तरह से मिड ब्रेन है, उसको ज़्यादा वो हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सिंपल सा एक ही हमारा फंक्शन होता है, वो हम डिस्कस कर ही लेंगे। जो हिंड ब्रेन है पश्च मस्तिष्क यानी कि अंतिम वाला मस्तिष्क का जो भाग होता है उसकी जब हम बात करते हैं तो हिंड ब्रेन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्दर थ्री पार्ट्स आ रहे हैं। हिंड ब्रेन का पहला, फोरब्रेन का पहला था सेरेब्रम, उससे मिलता जुलता सेरेबेलम, आपने नाम भी सुना होगा। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पॉन्स, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा यानी कि अंतस्था। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे हिंड ब्रेन के। अब इनके फंक्शन क्या है, एक ओवरव्यू हम छोटा सा ले लेते हैं कि जो हमारा फोर ब्रेन है,
फोरब्रेन का काम क्या है? फोरब्रेन में पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या क्या करेगा? एक इसको कहा जाता है सोचने समझने की शक्ति को निर्मित करने वाला भाग। सोचने समझने की शक्ति यहाँ से मिलती है। उसके बाद इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का केंद्र इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको एक नाम और दिया जाता है सेंटर ऑफ मेमोरी, यानी कि याददाश्त का केंद्र भी इसे कहा जाता है। और ये साथ ही साथ इसको हम एक चीज़ और भी बोलते हैं, एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं सतर्कता का केंद्र, सेंटर ऑफ अलर्टनेस। और अलर्टनेस का केंद्र, इसका मतलब जो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम करता है, प्रमस्तिष्क भाग करता है। तो प्रमस्तिष्क के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद ओल्फैक्टरी लोब, जो घ्राणपिंड भाग है, घ्राणपिंड के अंदर हमें ध्यान रखना है कि घ्राणपिंड जो होता है वो हमारी सूंघने की शक्ति को नियंत्रित करता है और हमें सुगंध और दुर्गंध के अंदर अंतर स्पष्ट करवाता है। इसके बाद आया हमारा तीसरा भाग डाइएन्सेफेलॉन। और डाइएन्सेफेलॉन के भी दो पार्ट हैं, एक थैलेमस है एक हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले थैलेमस की बात करते हैं। तो थैलेमस को कहा जाता है सेंटर ऑफ स्लीप या निद्रा का केंद्र, और साथ ही साथ इसे कहा जाता है जागृति का केंद्र, यानी कि सोने से लेकर जगने के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम थैलेमस का होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अगर कोमा की अवस्था की, तो कोमा की अवस्था भी हमारे किस भाग के कारण होती है? थैलेमस भाग के कारण होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपोथैलेमस भाग पर। तो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस के अंदर सबसे पहली चीज़, इसको सेंटर ऑफ इमोशंस कहा जाता है, भावनाओं का केंद्र, सेंटर ऑफ फीलिंग्स इसको कहा जाता है। फीलिंग्स आप समझते हैं, जैसे दुख है, सुख है, हंसी मजाक है, या फिर हम बात करें कि हमें घृणा हो रही है, हमें जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे से लगाव है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इमोशंस होते हैं हमारे। तो इन इमोशंस का सेंटर किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस का। इसके बाद हाइपोथैलेमस के अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जिसको हम डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं, कि जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, हार्मोन का जो स्त्राव हो रहा है, उस हार्मोन के स्त्राव के लिए भी अगर हम कहें तो हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, उसको रिलीज कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस के और कुछ काम होते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे भाई आपका ब्लड प्रेशर है, आपका हम बात करें ब्लड का सर्कुलेशन है, हम बात करें हार्ट के बीटिंग का जो प्रोसेस रहता है, यानी कि है हार्ट बीट रेट HBR जो होती है, हृदय स्पंदन दर, उसको भी नियंत्रित कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस भाग करता है। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए। या फिर एक इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जनरेट ये होता है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो साथ ही साथ क्या कर रहा है? वो हमारी बॉडी के लिए थर्मोस्टेट का भी काम कर रहा है, यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का, स्टेट में रखने का जो है काम करता है हाइपोथैलेमस। तो ये कुछ हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हो गए। मिड ब्रेन जो होता है उसका ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, वो हमारे विजुअल और ऑडियो, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं दोनों, इन दोनों की जो क्षमताएं होती हैं, इनकी जो कैपेसिटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों के अंदर हम देखते हैं कि जब एक ओल्ड एज चली जाती है तो उसके बाद देखने और सुनने की क्षमताएं जो है वो कम हो जाती हैं, तो मिड ब्रेन के कारण होती है, क्योंकि विजुअल और ऑडियो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन करता है, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में सबसे पहला है हमारा सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क भाग। और अनुमस्तिष्क भाग के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो अनुमस्तिष्क भाग है, अनुमस्तिष्क भाग शरीर के लिए बैलेंसिंग का काम करता है। जैसे मैं अभी खड़ा हो पा रहा हूँ, मेरा जो बैलेंस है वो किसके कारण है? सेरेबेलम के कारण है। या फिर मैं बोल पा रहा हूँ अच्छे से, जो है आपको मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, सही से चीज़ें बोल पा रहा हूँ, ये किसके कारण है? सेरेबेलम के कारण है। यहाँ से जब मैं चलता हूँ, यानी कि जब मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से वापस मैं यहाँ तक मूव करता हूँ, तो ये मूवमेंट भी किसके कारण हो रहा है? सेरेबेलम के कारण होता है। अगर सेरेबेलम हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ना तो हम सीधे खड़े हो पाएंगे, ना हम सही से बोल पाएंगे, ना हम उठ पाएंगे, ना हम बैठ पाएंगे, ना हम चल पाएंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है सेरेबेलम, जो बॉडी बैलेंस का काम करता है। अब ध्यान रखना है कि जो सेरेबेलम है अनुमस्तिष्क भाग, उसमें एक चीज़ आपको याद ये रखनी है कि जो सेरेबेलम होता है इसको छोटा दिमाग कहा जाता है। आपने सुना भी होगा एक टर्म छोटा दिमाग, छोटा दिमाग या मिनी ब्रेन इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है।
ठीक उसी प्रकार से ये तो बात हो गई सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो सेरेब्रम हमने बोल दिया क्योंकि इसको छोटा दिमाग कहते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सबसे बड़े भाग की जब बात आती है तो आप याद रखना जो इसका पहला भाग हम पढ़े थे फोरब्रेन का, यानी कि सेरेब्रम प्रमस्तिष्क जो भाग होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो सेरेब्रम है वो सबसे छोटा भाग होता है। इसके बाद आता है पोन्स। पोन्स क्या करता है? पोन्स हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसका ज़्यादा कोई बड़ा फंक्शन नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ मेडुला ओब्लोंगेटा की, तो मेडुला ओब्लोंगेटा ऐसा काम जो हमारी बॉडी के हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे पलकें झपकना है हम क्या करेंगे, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक रोक लेंगे, उसके बाद तो हमें पलकें झपकनी पड़ेंगी। इनवॉलंटरी है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इनवॉलंटरी होने के कारण ये जितनी भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, या फिर मैं बात करूँ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, जितने भी मेटाबॉलिज्म ऐसा है जिसको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, उन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम हमारे पश्च मस्तिष्क के तीसरे भाग मेडुला ओब्लोंगेटा यानी कि अंतस्था के ऊपर जिम्मेदारी होती है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका दूसरा पार्ट आता है, दूसरे पार्ट को कहा जाता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है उसके अंदर ध्यान आपको रखना है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएँ क्या होती हैं? एक एक्शन किया उसके अगेंस्ट रिएक्शन हो गया, ये होती है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखा, तुरंत हमने हाथ हटा लिया, तो ये हाथ रख के हाथ हटाना, एक हाथ रखना हो गया एक्टिविटी, एक्शन हो गया, और हाथ तुरंत हटाना क्या हो गया, उसका रिएक्शन हो गया, उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं उनको नियंत्रित करती है हमारी मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड। और इसके अगर एग्जांपल हम लें तो एक तो ये एग्जांपल हो गया, इसके अलावा जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठोकर लग जाती है तो अचानक हम पैर ऊपर उठा लेते हैं चोट लगने के कारण, या फिर हम कहीं पर बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह राइड कर रहे हैं, आँख के अंदर कुछ कोई धूलकण चला जाता है, कोई छोटा मच्छर चला जाता है, कोई कीट चला जाता है, तो उस कंडीशन में आँख एकदम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, वो भी रिफ्लेक्स हो गया। तो ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिनको कंट्रोल करने का काम हमारी स्पाइनल कोड करती है। तो ये तो बच्चों बात हो गई किसकी, हमने देखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने CNS वाले भाग को यहाँ पर कवर कर लिया है। अब बात आती है PNS की। अगर मैं PNS की बात करूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा नर्व से मिलकर बना होता है, यानी कि तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। और तंत्रिकाएँ कौन सी हैं यहाँ पर, तो बच्चों तंत्रिकाएँ हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रही हैं कि जो स्पाइनल कोड है वो स्पाइनल कोड दो तरह की तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो तरह की तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? एक होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं, और एक होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स मेरु तंत्रिकाएं। तो कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती हैं और मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती हैं 12 पेयर्स, 12 जोड़ी, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये होती हैं 31 पेयर्स। इकतीस जोड़ी जो है हमारी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा नर्वस सिस्टम का पार्ट। ये हम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक डिस्कस कर ही चुके हैं कि जब हाइपर चीज़ें हो जाती हैं या स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, एनर्जेटिक एक्टिविटी होती है, तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और जब रेस्ट कंडीशन होती है या फिर हम बात करें मेंटेनेंस का काम होता है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज होती हैं, रूमिनेशन होता है, तो उस कंडीशन में हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है। तो बच्चों ये था हमारा छोटा सा नर्वस सिस्टम का सेक्शन जो हमने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमने
दो फोटोज लिए हैं, एक में मेल की हमने बात करी है और एक में हमने बात करी है फीमेल की। अब देखिए, मेल और फीमेल बॉडी की मैं बात करूं तो पीनियल ग्लैंड यहाँ भी है, यहाँ भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस यहाँ भी है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस यहाँ भी है, थायरॉइड और पैराथायरॉइड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी थाइमस है, यहाँ पर भी थाइमस है, पैनक्रियाज एड्रिनल यहाँ पर भी है, पैनक्रियाज एड्रिनल यहाँ पर भी है। अब इसके बाद आता है चेंज, यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके पास कुछ जेनाइटल ग्लैंड्स होते हैं, गोनाड्स ग्लैंड जिनको हम कहते हैं, क्योंकि मेल के अंदर हमारे पास कौन है, वृषण होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, और फीमेल की हम बात करते हैं तो वहां पर एक तो ओवरी होता है जिसको अंडाशय कहा जाता है और एक होती है हमारी प्लेसेंटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहां से भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, कुछ हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं। तो ये कुछ प्रमुख ग्लैंड रहेंगी, ग्रंथियां रहेंगी ह्यूमन बॉडी की, मेल और फीमेल बॉडी के अंदर मोस्टली तो कॉमन रहती हैं, लेकिन जो जनन ग्रंथियां होती हैं, गोनाड ग्लैंड्स होती हैं, वो इनके अंदर सेपरेट होती हैं, अलग होती हैं। तो इनके कुछ प्रमुख हार्मोन्स की हमें बात करनी है। तो बच्चों देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रहेंगे हमारे एंडोक्राइन के, वो देखिएगा, समझिएगा इन्हें, क्योंकि देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए, देख लीजिएगा कौन सी ग्रंथि कहां पर प्रेजेंट होती है। सबकी लोकेशन यहां पर क्लियरली विजिबल है, आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको देख सकते हैं कि कौन कहां पर प्रेजेंट है। यानी कि सबसे ऊपर पीनियल हो गई, पीनियल के नीचे हमारी हाइपोथैलेमस हो गई, हाइपोथैलेमस के नीचे हमारी पीनियल के नीचे हमारी पिट्यूटरी हो गई, पिट्यूटरी के नीचे थायरॉइड और पैराथायरॉइड है, फिर थाइमस है, फिर पैनक्रियाज है, फिर अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल है, फिर हमारी ओवरी हो गई या फिर प्लेसेंटा हो गई या फिर टेस्टिकल्स हो गए। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहता है ऊपर से नीचे की तरफ जब हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनको एक बार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इंपॉर्टेंट कुछ हार्मोन्स की बात करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन आता है थायरॉइड हार्मोन, थायरॉइड ग्लैंड आती है, यहाँ से दो हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, एक थायरोक्सिन है और एक कैल्सिटोनिन है। थायरोक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और कैल्सिटोनिन जो है वो इनहिबिट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, यानी कि हड्डियों के अंदर से कैल्शियम का जो निर्माण होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। उसके बाद पैराथायरॉइड हार्मोन ये क्या करता है, ये स्टिम्युलेट, ये कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करेगा, यानी हड्डियों से कैल्शियम को निर्मित करवाएगा, उनसे स्त्राव करवाएगा। उसके बाद आइलेट सेल्स होती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं उनसे जो है रिलीज होते हैं हमारे कुछ हार्मोन्स, इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है। इंसुलिन क्या काम करता है, ये तो आपको पता होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उस ग्लूकोज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो ग्लूकोज डिक्रीज करता है ब्लड शुगर को, और ग्लूकागोन ये इसके अपोजिट काम करेगा, ये इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर को। टेस्टिस से रिलीज होने वाला टेस्टोस्टेरोन ये क्या काम कर रहा है, रेगुलेट स्पर्म सेल प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, स्पर्म का तो फॉर्मेशन करवा ही रहा है, उसका सिक्रीशन भी करवा रहा है, साथ ही साथ एक काम और भी कर रहा है हमारा जो टेस्टिस वाला टेस्टोस्टेरोन है, ये क्या करता है कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट करवा रहा है, उनको जो है एक्टिवेट करवा रहा है, जैसे साउंड हो गया या फिर दाढ़ी मूछें आना हो गया, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, इनको जो है ये रेगुलेट करवाता है। उसके बाद ओवरीज से रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिम्युलेट एग मैच्योरेशन यानी कि अंडे की परिपक्वता में काम करता है, और कंट्रोल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कौन है हमारा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रिपेयर्स द यूट्रस टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। ध्यान रखना बच्चों, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल का मेडुला भाग जिससे स्त्रावित होते हैं एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, यानी कि फाइट हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन। काम क्या है, स्टिम्युलेट्स फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए तुरंत से सिक्रीट होंगे और एकदम से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, काम करने के लिए आए और खत्म हो गए। तो लड़ो और उड़ो, यानी कि फाइट करो और फ्लाइट कर जाओ।
तो ये जो हार्मोन्स हैं ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एड्रीनल मेडुला अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला भाग से। अब एड्रीनल ग्रंथि के ही कोर्टेक्स भाग से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, एल्डोस्टिरोन है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है? ये स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स करता है और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है और डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि जो हम बात करें प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी क्षमताओं को क्या करेगा? डिक्रीज करने का काम करेगा, घटाने का काम करेगा। उसके बाद एल्डोस्टिरोन की बात करें तो रेगुलेट सोडियम कंटेंट इन ब्लड, यानी कि रक्त में सोडियम की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियमित करता है कि कब वो ज़्यादा होना चाहिए, कब वो कम होना चाहिए, कब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसी दौरान एक लास्ट और आता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन का काम क्या है? स्लीप साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैनी मैमल्स। देखिए स्लीप साइकिल, इसको सर्काडियन साइकिल भी कहा जाता है, यानी कि हम बात करें तो एक नेचुरल क्लॉक हम इसको कह सकते हैं। यानी कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हम लोग जब सुबह सुबह 4 बजे जगना शुरू कर देते हैं तो अपने आप हमें जो है 4 बजे हमारे नींद खुलने लग जाती है, हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। एक ये होता है कि आप भले ही रात को 2 बजे क्यों ना सोए हों, लेकिन एक बार आपकी आंख 4 या 5 बजे के बीच में खुलती है, जब बशर्ते कि आपकी आदत खराब ना हो रही हो, है ना। तो जो 4 और 5 बजे के बीच में आंख खुल रही है, इसका मतलब क्या? सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर आएगी उस समय हमें क्या होगा? उस समय हमें पता चल जाएगा और हमारी अचानक से आंख खुलती है, फिर हम भले ही वापस सो जाएंगे लेकिन एक बार हमें जरूर महसूस होगा कि हाँ उठने का समय कुछ हो गया है। तो वो जो होता है इसको हम सर्काडियन साइकिल भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्लीप साइकिल भी कहते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस होता है या फिर नेचुरल अलार्म भी इसको कह सकते हैं, तो ये किसको बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि को, क्योंकि इससे कौन स्रावित होता है? मेलाटोनिन। तो बच्चों ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन हार्मोन्स थे। तो आज इतनी ही हिम्मत बची हुई थी, कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचाई जाएँ चीज़ें। तो ज़्यादा हम जो है अपनी क्लास को आज नहीं खींचेंगे बच्चों, तबीयत थोड़ी सी वीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, बीमार होने के बावजूद भी ये सब चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको एक क्वेश्चन का भी अगर बेनिफिट मेरे इस लेक्चर से मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ये मेहनत सफल हो गई। तो बच्चों आपको भी इतनी ही मेहनत से, इतने ही लगन से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, और मेरे साथ चीटिंग नहीं चलेगी। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो क्लास अटेंड मत कीजिए। अगर पढ़ना है अच्छे से, ईमानदारी से, अपने आप को लगाए हुए हो अपने लक्ष्य के पीछे, तो बिल्कुल आपके लिए ही ये क्लास है। तो आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बच्चों।